हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर डेली हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना। एमसीक्यू के थ्रू मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, कई बार ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्लियर? तो आज अपनी हिस्ट्री के एमसीक्यू की क्लास कौन सी है सर? फोर्थ क्लास है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि हम्पी का खुला संग्रहालय है ना, हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? सो, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर? कर्नाटक, है ना। हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है सर? कर्नाटक। अच्छा, एग्जाम में ये चीज़ भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? कि हम्पी का खुला संग्रहालय का जो चित्र है ना, हम्पी का जो खुला संग्रहालय का जो चित्र है वो कौन से नोट पर बना है? तो तब आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? 50 रुपये, है ना। 50 रुपये के नोट में हम्पी का खुला संग्रहालय का चित्र बना है। ऐसे ही यहाँ पर हमको सभी नोटों में क्या क्या चित्र बने हैं वो ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि 50 के इसमें बना है हम्पी का खुला संग्रहालय। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 100 में क्या बना है, 100 रुपये के नोट में, तो क्या बना है सर? रेड फोर्ट, सॉरी रेड फोर्ट नहीं, रानी का वाव। ठीक है, क्या बना है सर? रानी का वाव। अगर मैं यहाँ पर आपसे 200 रुपये का पूछ लूँ तो क्या बना है सर? सांची स्तूप, है ना। सांची स्तूप जो कि रायसेन जिले में है, भोपाल के पास, सांची स्तूप। अगर मैंने आपसे पूछा 500 रुपये के, इसमें क्या बना है? तो रेड फोर्ट, है ना, लाल किला। और अगर मैंने आपसे 2000 के नोट पर पूछ लिया तो क्या है सर वहाँ पर? मंगलयान, है ना। क्या है यहाँ पर? मंगलयान, है ना। तो 2000 के नोट पर क्या है सर? मंगलयान है। क्लियर हो गई क्या इतनी चीज़ सभी लोगों को? ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? कब की बात कर रहा है यहाँ पर? 1565 की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर भैया, पानीपत का प्रथम युद्ध मत लगा के आना, क्योंकि ये कब हुआ था आपका? 1526 में, है ना। तो ये तो सभी लोगों को याद है। खानवा का भी नहीं हुआ था ये, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, खानवा का युद्ध, है ना, गागरा का युद्ध, ठीक है, ये सब कब हुआ, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, हल्दीघाटी, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका पानीपत का, अच्छा इसको द्वितीय कर लेना, है ना, इसको क्या कर लेना सर? द्वितीय कर लेना, ठीक, क्योंकि दोनों जगह ऑप्शन सेम हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पर 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था सर? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, है ना। 1565 के बीच का, मैं आपको अगर एग्जैक्ट डेट भी बता दूँ तो तालीकोटा का युद्ध 1565 कब? 25 जनवरी 1565, है ना, 25 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच? विजयनगर शासन और दक्कन के जो सुल्तान थे, है ना, दक्कन के जो सुल्तान थे उनके बीच हुआ था, दक्कन के सुल्तान। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, 25 जनवरी 1565, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तान के बीच। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया? क्वेश्चन में दे रखा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? क्या होगा सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जरा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है सर? जयदेव, है ना। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। अब आप लोगों को बताना है कि इन्होंने गीत गोविंद जो है वो कब लिखी थी, हमें सन बताना है ना, किस सन में लिखी थी, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है सर? होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्या था कि तुगलकनामा किसने लिखी, है ना, ये एक होमवर्क दिया था मैंने लास्ट क्लास में।
तो भैया यहाँ लिख लो, बहुत जितने लोगों ने कमेंट किया है बिल्कुल सही था उनका, कि भैया तुगलक नामा जो है वो किसने लिखी है, अमीर खुसरो, है ना, किन्होंने लिखी है सर, अमीर खुसरो ने, बिल्कुल सही था जितने लोगों ने कमेंट करा था, ठीक। और आज का आपका होमवर्क क्या है, पहला कि गीत गोविंद जो है, जो कि रचयिता है जयदेव, इन्होंने कब लिखी थी, तो आपको सन बताना है यहाँ पर। क्लियर हो गया सभी लोगों को, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, क्या है क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो भैया यहाँ पर हुमायूं मत करके आना, गलत हो जाएगा आंसर। क्या आंसर है सर, शेरशाह सूरी ने, है ना, शेरशाह सूरी ने यहाँ पर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है सर, जीटी रोड, है ना, जी से ग्रैंड, टी से ट्रंक, तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। ये जो रोड है कहाँ से कहाँ तक है सर, कोलकाता से अमृतसर, है ना, कोलकाता से अमृतसर। क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को, ठीक। अब आप लोगों को होमवर्क है, आपको यहाँ पर दूसरा होमवर्क क्या है, कि जीटी रोड शेरशाह सूरी ने कब बनवाई थी, हमें सन बताना है यहाँ पर भी, हमें यहाँ पर क्या बताना है, सन, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी, तो यहाँ पर भैया बिल्कुल बहुत अच्छे से हम लोगों को पता होना चाहिए कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी सर, अकबर ने करी थी। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना कब करी थी, तब क्या आपका आंसर होगा सर, 1582 में, 1582 में दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने करी थी। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये भी लिखवा दूंगा कि कब कौन सा मुगल शासक आया, ठीक है, उसका जो काल था वो कब से कब तक था, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, क्लियर। चलो तो इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान रखना है, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अकबर के द्वारा। ये दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो 1582 को हुई थी, क्लियर, ये सन याद रखना, ये एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखिएगा, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी, जल्दी से सभी लोग मुझे बताइएगा, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी, तो बिल्कुल मुगल काल की यहाँ पर देखो फारसी बिल्कुल सही है आप लोग का, अरबी मत करके आइएगा, उर्दू हिंदी ये सब गलत है, क्लियर। तो मुगल काल की जो राज्य भाषा थी वो क्या थी सर, फारसी, है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लियर, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी, यहाँ पर फारसी। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो भैया बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हुमायूं नामा जो है वो उनकी बहन ने लिखा था, कौन, गुलबदन बेगम, क्लियर ना, हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, तीसरा होमवर्क क्या है कि बाबर नामा किसने लिखा है, हमें ये बताना है बाबर नामा, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को, बाबर नामा किसने लिखा है ना, बाबर नामा जो है वो किसने लिखा है, आप लोगों को ये बताना है। तो आपको आज कितने होमवर्क मिल गए सर, तीन, क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक। तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो भैया यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, क्लियर हो गया कि सभी, ओ सॉरी, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्लियर हो गया। चलो तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।